मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं धनशी टेक्निकल। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं नोकिया का 6, जो कि हमने अमेजोन से खरीदा है सिल्वर कलर में। इसमें देख लेते हैं कि बॉक्स इस तरीके से आपको कुछ मिलता है, और इसमें जो है की स्पेसिफिकेशन जो है लिखी हुई है, एंड्रॉयड का 7.1.1 एल्युमिनियम बॉडी, प्रीमियम क्वालिटी, 4G LTE को सपोर्ट करता है, 3 GB की रैम, 32 GB का रोम, 16 MP का कैमरा, और 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले, और डॉल्बी एटमॉस को ये जो है वो सपोर्ट करता है। तो इसकी सील हमने खोल ली है और इसको अब अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स जो है वो खोलेंगे, तो सबसे पहले जो है वो आपको फोन मिलेगा, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का है, और बहुत देखने में, देखिए सिल्वर कलर का है, देखने में बहुत जो है वो अच्छा लगता है। 5.5 इंच की स्क्रीन है इसकी, पूरी एल्युमिनियम जो बॉडी जो है इसकी दी गई है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। और इसके बाद इस पे यहाँ पे दिया गया सिम इंजेक्टर टूल, और जो है कुछ लीफलेट दिए गए हैं, और यहाँ पे इस पे दिया गया है, यहाँ पे इसमें दिया गया है चार्जर, और ये इसका चार्जर है। इस तरीके से नोकिया ब्रांडिंग दी गई है, और ये है USB केबल चार्जिंग के लिए, और ये नॉर्मल टाइप से जो दिए जाते हैं हेडफोन, ये इन ईयर टाइप नहीं है, इस टाइप के ये दिए गए हैं। और आइए हम देख लेते हैं कि फोन जो है वो किस तरीके से जो है ऑन होता है। हैप्टिक फीडबैक जो दिया है इसमें, और फोन जो है वो पावर्ड बाय एंड्रॉयड जो है लिखा हुआ आ रहा है। काफी प्रीमियम क्वालिटी है दोस्तों इसकी फोन की, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये फोन जो है वो हाथ में लेने से। जब तक ये चालू होता है तब तक आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो है वो फोन ये प्यारा लग रहा है सिल्वर कलर का। और ये देखिए आप, चालू हो गया नोकिया का जो है अपना साउंड जो है वो, और ये अब जो है वापस से इसको मैं सेट कर लेता हूँ, बूट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसको सेटअप कर लिया है, और ये बहुत ही हाथ में प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो महसूस हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये फ़ोन है, और इसका फिंगरप्रिंट भी काफ़ी जो है वो फास्ट है। इस तरीके से आपको इस पे रखना है, ये कोई बटन नहीं है, जैसे OnePlus 3 पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो दिया गया है, ये होम बटन नहीं है, सिर्फ आपको इस प्रेस करना है और ये जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और काफ़ी स्ट्रॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग इसमें दी गई है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर इसमें नहीं डाले गए हैं, और काफ़ी स्मूथ है ये फ़ोन, और बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस जो है वो दिया गया है। अमेज़ॉन वगैरह के ऐप्स जो हैं वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे की तरफ जो है वो कैमरा, और नीचे की तरफ फ्लैश दिया गया है, नोकिया ब्रांडिंग है, सामने भी नोकिया ब्रांडिंग है, इन्फो जो है स्पीकर्स हैं, और नीचे की तरफ भी जो है वो स्पीकर्स दिए गए हैं, और साइड पे जो है वॉल्यूम रॉकर्स और अनलॉक की जो है वो पावर की जो है वो दी गई है, और इसके साथ ही जो है वो राइट साइड पे जो है, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो है, यहाँ पे जो सिम कार्ड ट्रे जो है वो दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसका जो है वो इंटरफेस है, और जो है किस तरीके से ये लगता है। दोस्तों क्वालिटी इसकी बहुत ही प्रीमियम है, फ़ोन बहुत ही प्यारा है, और आप इसको ज़रूर से मेरे हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए। हाँ, इसका जो चिपसेट है Snapdragon 430 वो थोड़ा सा पुराना है, तो उससे काफ़ी बेहतर ऑप्शंस आपको इस प्राइस पे मिल जाएंगे, पर अगर आपको नोकिया का भरोसा चाहिए तो आप इसको ज़रूर से जो है वो ले सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, हम इसको यूज़ करेंगे कुछ दिन, और उसके बाद इसका फुल रिव्यू, कैमरा रिव्यू सब आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है नोकिया 6 के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरत है इसकी मुझे। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस फ़ोन के बारे में या किसी भी दूसरे फ़ोन के बारे में, तो आप ज़रूर से कमेंट्स में लिख के मुझसे सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।